नमस्कार किसान भाइयों, ये देखो भाइयों, आज हम आपको दिखाएंगे 53 जॉन डियर। ये भाइयों जिसका इंजन का रंग काला होता था ना, ये वो है भाइयों 2011 मॉडल। ये पहले ए में चल रहा है भाइयों 1800 चक्कर पे। अभी इसको हमने ये देखो, जहां पर कंबाइन का गेड़ा आता है ना, यहां पर कंबाइन फूस गिराती है, ये देखो उस पे चल रहा है भाइयों। इसके मशीन के साथ चक्कर इतने बढ़िया हैं, कहीं भी क्लच नहीं दबाना पड़ेगा भाइयों, एकदम आराम से चलेगा। ये देखो भाइयों कितने बड़े फूस पे चल रहा है। पहले भाइयों मैंने एक वीडियो डाली थी 60-60 की फार्म ट्रैक की, उसकी भी आपको परफॉर्मेंस दिखाई थी भाइयों। भाइयों यहाँ पर कंबाइन फूस गिराती है ना, ये देखो आगे, ये देखो, ये उस पे चल रहा है भाइयों। तो देखो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी भी देखो परफॉर्मेंस। मैं आपको इसका आरपीएम मीटर भी दिखाऊंगा। और ये भाइयों जो लोग कहते हैं जॉन डियर तेल बहुत खाता है, तेल बहुत खाता है, ये भाइयों कोई ज्यादा तेल नहीं खाता। ये पहले होता था, जब आज से 10-12 साल पहले ये ट्रैक्टर आए थे, तकरीबन जब लोगों के पास छोटे ट्रैक्टर थे, उनके मुकाबले में लगता था कि जॉन डियर तेल ज्यादा खाता है। लेकिन अब अपनी कैटेगरी में अगर देखें ना भाइयों, तो इसका तेल खर्चा सेम ही है, कोई ज्यादा नहीं है। और दिन में ये 18-20 ट्राली भर देता है। हम ड्राइवर से पूछेंगे भी कि दिन में कितना तेल डालते हो, है ना। मैं आपको इसका आरपीएम मीटर दिखाता हूँ। बाकी ये देखो भाइयों, जहां पर कंबाइन आई हुई है, फूस गिराती है कंबाइन, वहां पे चल रहा है, कोई क्लच नहीं दबाना पड़ रहा, एक साथ चल रहा है भाइयों। देखो भाइयों, मैंने ड्राइवर से पूछा था, ये 70 लीटर से कम तेल लेता है भाई, सारे दिन में कभी 70 नहीं पड़ा, कम ही पड़ेगा एक दो लीटर। और 18-20 ट्राली भर देता है भाइयों। बाकी कनक के लान पर भी डिपेंड है, अगर बढ़िया भारी कनक थी, गेहूं अच्छा था, फिर जल्दी जल्दी भर जाती है ट्राली भाइयों। अभी इस खेत में बढ़िया है, कनक भी बढ़िया थी, और इसका जो पराली यानी पीछे खड़ा टंडे वो भी बढ़िया है। तो यहाँ पे बड़ी स्पीड से ट्राली भर देता है, और तेल का जो खर्चा है भाइयों वो बिल्कुल जायज है, कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा तेल खाता है जॉन डियर। ये देखो भाइयों पीछे 12-6.5, कोई 12.5-6.5 ट्राली है, एकदम जमीन पर कटर लगा के चलते हैं, क्योंकि जो खेत है ये लेजर लेवलर हुआ खेत है भाइयों, बिल्कुल एक समान, नीचे कुछ भी नहीं छोड़ रहा। बाकी आप ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस देखो, अभी फिर से यहां पर कंबाइन अपना फूस गिराती है ना, उसी पे चल रहा फिर से। ये देखो भाइयों, पहले 60-60 की वीडियो डाली थी भाइयों, वो ट्रैक्टर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था रीपर पे, और अब 53-10-2011 मॉडल भाइयों। भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर दीजिए, और अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं 60 की भी वीडियो इसमें थोड़ी डाल दूंगा, आप दोनों का कंपैरिजन करके देखना, दोनों ट्रैक्टर भाइयों। ये हमारे साथ वाले खेत में चल रहा है, हमारे यार दोस्त का ही खेत है, और यार दोस्त का ही ट्रैक्टर है भाइयों, ट्रैक्टर भी रीपर भी हमारे यार दोस्त का ही है। तो आप देख के बताना कि 53-10 की परफॉर्मेंस कैसी है। ये भी भाइयों ट्रैक्टर ऐसा नहीं कि ड्राइवर कभी क्लच दबा लिया, कभी रोक लिया, कभी कुछ कर लिया ना, बस अपने पांव ऊपर गियर बक्से के ऊपर रख के आराम से बैठ जाओ, ट्रैक्टर चलता रहेगा, चाहे ज्यादा लान आ जाए चाहे कम। अगर वीडियो अच्छी लगे भाई, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, और अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार किसान भाइयों।